हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमी जोगी। यह वीडियो रहेगा हमारा कि आखिरकार आईटीआई जो है हटा ही दी गई है ग्रुप डी रेलवे की पोस्ट से। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब सुनते हैं क्या कहा पीयूष गोयल ने। 22 फरवरी की शाम को पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि ग्रुप डी से आईटीआई हटा दी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी 10वीं क्लास या आईटीआई या एनसीबीटी में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है, मतलब अब सभी 12907 पदों पर 10वीं पास वाले एग्जाम दे सकेंगे। यह अभियान काफी दिनों से चलाया जा रहा था, तो चलिए सुनते हैं। 10वीं कक्षा या आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट जो एनसीवीटी देता है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, 10th और आईटीआई और एनसीवीटी का एनएससी सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए और सब पोस्ट के लिए। रेलवे ग्रुप डी के अंदर पहले 12907 पोस्ट थी, जिसमें से केवल 10% के ऊपर बिना आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब सारी की सारी पोस्ट पर बिना आईटीआई वाले अप्लाई कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो चलिए सुनते हैं क्या कहा इस बात पर पीयूष गोयल सर ने। कुछ समय पहले ऐसा निर्णय लिया गया कि 10वीं के साथ आईटीआई और एनसीटीवीटी को भी जोड़ दिया जाए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को जानकारियां इन विषयों की रहे। और उसके बाद रेलवे तो ट्रेनिंग करती है, लेकिन ये निर्णय जनता तक पहुंचा नहीं था। और 4-5 दिन पहले जब इश्तिहार आया तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा। अब ऐसे काफी नौजवान थे, युवा युवती, जिनको ये जानकारी ना होने के कारण वो तैयारी कर रहे थे अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आईटीआई या एनसीटीवीटी का उन्होंने कोर्स नहीं किया था जानकारी ना होने के कारण। तो मुझे बड़ी जायज लगी ये बात। हमने बोर्ड मेंबर्स ने सबने डिस्कस किया आपस में, सेक्रेटरी स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बाकी सब अधिकारियों ने, और मेरे साथ भी चर्चा की। और ये एक संवेदनशील सरकार है, ये सरकार ध्यान रखती है कि गरीब आदमी, नौजवान, युवा युवतियों के हित की हमको सबसे ज्यादा चिंता रहती है। और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अपने आप को तैयार करते इन पोजीशंस के लिए। तो जो पहले सिस्टम था कि 10वीं कक्षा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये लेवल 1 की पोजीशंस के लिए, ग्रुप सी ग्रुप डी, वो हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा के लोग अप्लाई कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी के लिए जो सी और डी में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन देश भर में होगा। और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, उसमें और मॉड्यूल्स डाल के जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिससे वो देश की और रेलवे की सेवा और अच्छे तरीके से कर सके। ये भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलके ले लिया है। तो बहुत सडनली लोगों तक जाने के बाद उनको समय ना मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा सब कैटेगरीज के लिए रहेगी। आगे का क्या निर्णय बोर्ड लेता है वो पहले से जनता को बता दिया जाएगा, जिससे आगे के लिए बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से किस कैटेगरी में जाना चाहे उसके लिए आगे से कर सके, वो बाद में निर्णय अलग से लेके आप सबको बताए। फ्रेंड्स, रेलवे के अंदर जो फीस रखी गई थी जनरल कैटेगरी के लिए वो रखी गई थी 500 रुपये, और जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस रखी गई थी वो थी 250 रुपये। तो इस फीस के अंदर मंत्री जी ने बताया है कि ये 500 में से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे पेपर होने के बाद, और 250 रुपये फ़ी देने वाले अगर एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो उनका पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, जो पेपर देंगे उन्हीं के रुपए वापस होंगे और जो पेपर नहीं देंगे उन्हीं के रुपए वापस नहीं होने वाले। ये बात आप सुनिए पीयूष गोयल जी की जुबानी। इशू जो थोड़ी लोगों को परेशान कर रही थी अबाउट फीस, जब व्यक्ति अपने एग्जाम दे देगा तो जिसने 250 रुपये दिए उनको पूरा 250 रुपये रिफंड मिल जाएगा। और ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड भी था, ये मैं पुनः रीटेट कर रहा हूं कि 250 रुपये जिसने फीस भरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी उनको 250 फिर से रिफंड कर दिया जाएगा
जो लोग एग्जाम में आके अपना पेपर लिखते हैं और जो लोग 500 रुपए भरते हैं उनको भी 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा जब वो एग्जाम में आके अपना पेपर लिखते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये पिछली बार की बजाय जो फीस जो है वो ज़्यादा भी कर दी गई है और इसको रिफंड भी देने की बात की जा रही है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बात भी स्पष्ट तरीके से बताया रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने, तो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए उन्होंने क्या बताया। मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि फीस जो बढ़ी है वो फीस बढ़ने के पीछे जो हेतु था, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी उसमें 250 रुपए है और जो बाकी जनरल कैटेगरी है उसमें 500 रुपए है। पहले ये 0 और 100 रुपए होती थी। हेतु ये था कि इसमें कई लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं और फिर एग्जाम में आते नहीं है और हमारा बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत खर्चा करती है सरकार, तो इसलिए ये फीस रखी गई थी। और सरकार का जो पूरी व्यवस्था बनती है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए और सीरियस कैंडिडेट ही अप्लाई करें, तो वो 400 रुपए भी उनको रिफंड कर दिया जाएगा जो लोग एग्जाम लिखते हैं। तो इफेक्टिव कॉस्ट फॉर अप्लाइंग फॉर द रेलवे एग्जामिनेशन विल बी रीइंस्टेटेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट विच वॉज 100 एंड फॉर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी 0। तो ये दो विषय मुझे लगा कि आप सबके सामने स्पष्ट कर दिए जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी बताई गई आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी ऐसी न्यूज़ पाने के लिए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, आपको न्यूज़ टाइम पर मिलती रहेंगी, सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर